वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो क्रॉप होते हैं उनको कैसे बचाया जाता है वीड्स से, ठीक है? तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और वीडिंग, ठीक है? और जिस तरीके से मतलब पढ़ाते चलूँ वैसे ही लिखते चलिएगा, या एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा नोट कर लीजिएगा। वीड्स आर द, वीड्स होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो वीड्स आर द अनडिजरेबल, अनडिजरेबल का मतलब होता है अवांछनीय, जिसकी इच्छा न हो। तो अनडिजरेबल प्लांट्स, एक ऐसा पौधा जिसकी कोई भी आपको यूज नहीं है, यूजफुल वो तो है ही नहीं। विच ग्रो एलोंग विथ द मेन क्रॉप, लेकिन उसकी खासियत ये है कि मेन क्रॉप के साथ वो उग ही जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है उसको हटाना है, बिकॉज अनडिजरेबल है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई फ़ायदा हमें नहीं देता, नुकसान देता है, ये अलग। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल बताया गया, एक वर्ल्ड ओट होता है ये, और एक है सेनोपोडियम, इसको बथुआ बोलते हैं, गांव में जानते होंगे आप शायद, पूछिएगा अपने पिताजी से। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप, अब मान लीजिए वीड्स है तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तो उस निकालने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, वीड्स को निकालने की जो प्रक्रिया है फ्रॉम ए क्रॉप से फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, उसे ही वीडिंग कहा जाता है, ठीक है? तो वीडिंग क्या है, किसी भी क्रॉप में जो वीड्स है उसको निकालना, ठीक है? तो वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड, ये कुछ तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा आप वीड्स को निकाल सकते हैं। पहला तरीका है बाय मैनुअली, मतलब खुद वहां पे जाओ, आदमी लगा दो, वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो निकाल लेता है, हाथ से ही कर लेना है उसको, तो बाय मैनुअली मतलब खुद जा करके। दूसरा ये है, और वो तभी पॉसिबल है जब वेट आपका लैंड हो, मतलब गीला रहेगा, पानी मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसमें निकालने में आसानी होगी, लेकिन अगर आपको वो बहुत ही ड्राई है और बहुत ही मतलब पानी की कमी है अगर वहाँ पे, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उसका रूट स्ट्रांग है तो बाय मैनुअली ये पॉसिबल तभी है जब वो रूट क्या वो जो लैंड है वो कैसा हो, आपका वेट हो। बाय यूजिंग ट्रोवेल, तो जो वेट लैंड नहीं है वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रोवेल, खुरपी, खुरपा इस्तेमाल कर लो। तो आपने मक्के की खेती देखी होगी, उसमें ये किया जाता है, ट्रोवेल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा। बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड, और ये बहुत ही कॉमन है, अगर आप चाहते हो कि वो जो वीड्स हैं वो खेत में ही रह जाए और मैन्यूर का भी काम कर ले, तो वीडिसाइड का इस्तेमाल कर लो। एक मुझे पता है वेट के साथ जब उगता है कोई वीड्स तो उसमें हीरा नाम का एक डाला जाता है वीडिसाइड, तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद इस मामले में है कि वो क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ वो वीड्स को मार देगा, ठीक है, वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या इससे कुछ नुकसान है, तो बिल्कुल है, अगर आप इसको छींटते हो अगर फसलों पे, और जब दोबारा उस फसल को घर पे काट के लाते हो तो बिना धोए हुए उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, ऐसे हम लोग नॉर्मली धो ही लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आगे वीडिसाइड क्या है, द केमिकल, यह एक प्रकार का केमिकल है विच डिस्ट्रॉय वीड्स, जो वीड्स को क्या करता है, खत्म करता है, बट डू नॉट हार्म द क्रॉप, क्रॉप को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो अच्छी बात है ये। कॉमन वीडिसाइड कुछ नाम बताए गए हैं, बटैकुलर एक है, और यहाँ पर है आपका 4D, 2,4-D है ये, देखो यहाँ पर ये 12 मत मान लेना, 2,4-D, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने छोटा क्या बोलते हैं इसको नज़दीक लिख दिया है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसेटिक एसिड है, डाइक्लोरो DICHLORO PHENOXY, पॉज करो, प्ले करो, इस तरीके से लिख सकते हो, एसेटिक एसिड। अब आगे है प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीजेस, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स, तो इसका एक ही सहारा है, चारों तरफ बाउंड्री बना दो जो भी, तो ये कॉमन अगर किसान है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बड़े पैमाने पर अगर कोई खेती कर रहा है तो वो चारों तरफ से घेरा लगा सकता है, बाउंड्री लगा सकता है, इससे बचा जा सकता है। इधर हमारे इलाके में नील गाय बोलते हैं उसे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो उसके बचाव के लिए बहुत सारे लोगों ने घेरा लगाया हुआ है, लेकिन बगीचे में लगाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। आ गया प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, ये बर्ड्स से प्रोटेक्शन के लिए आपने मक्के की खेती जब होती है हमारे इलाकों में, तो वहाँ पर एक ऊँचा क्या बोलते हैं मचान तैयार किया जाता है, जिसमें बैठ करके लोग थाली बजाते हैं, आपने वायरस के अगेंस्ट भी बजाया था, तो थाली जो है वो बजा करके
या किसी भी एक तरीके से आवाज करके बर्ड्स को दूर रखा जाता है। लेकिन एक और तरीका है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, या अब गांव में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं सब्जियों की जहाँ खेती होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, कि एक घड़ा मतलब लगाकर एक आदमी जैसा शेप दे करके एक चीज़ को खड़ा कर दिया जाता है, तो चिड़िया जो भी होता है या कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं उससे देख कर, उनको लगता है कि वो एक आदमी ही है, तो इस कारण से वो दूर रहते हैं। तो वो भी एक तरीका है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी से उनको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार लग गया तो खत्म हो जाएगा पूरा फसल। तो कॉज बाई रीजन क्या है, उसके पीछे डिजीज कैसे होता है, तो फंगी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, और इसके बारे में पढ़ना भी है। ह्यूमन में भी डिजीज ये करते हैं, और वायरस का तो नाम आते ही आपको पता चल गया होगा। अब देखिए एक डिजीज है जिसका नाम है रस्ट एंड स्मट, और वे वेट में होता है। तो वेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, तो रस्ट एंड मस्ट, लेकिन मस्ट मत बोलिएगा, फिर स्मट बोल दीजिएगा तो वेट हो जाएगा। पोटैटो में ब्लाइट, ठीक है, पोटैटो में कौन बीमारी होती है, ब्लाइट बीमारी, और पैडी में कुछ ही होता है, ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि राइट थ्री क्रॉप्स एंड देयर डिजीजेस। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप कॉपी पर नोट करो और याद करो। देखने के लिए थैंक्स।